अगर सपा ने हमेशा पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान व अधिकार दिया है, वहीं भाजपा ने हमेशा पिछड़ी जातियों के वोट को लेकर उनको अधिकार व सम्मान देने के नाम पर धोखा दिया। ये विचार सपा पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ की समीक्षा मीटिंग में सपा पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव रमेश प्रजापति ने प्रकट किए। समीक्षा करते हुए सपा पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हरीश प्रजापति ने कहा, पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से पाने के लिए सपा सरकार बनाने के लिए लामबंद होना होगा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार की विचारधारा पिछड़ी जातियों के विरोध में होने के कारण ही न तो उनको सरकार में उचित हिस्सेदारी मिलती है, न ही उनका उत्पीड़न रुक पाया है। सपा ने हमेशा पिछड़ी जातियों को सम्मानजनक हिस्सेदारी अधिकार देकर उनके हित में अनेक योजनाओं को संचालित किया है। सपा जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी जातियों वर्ग को पेश व उत्पीड़न के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष व अध्यक्षता कर रही श्यामलाल बच्ची सैनी ने कहा, आज पिछड़ी जातियों में भाजपा का उपेक्षापूर्ण चेहरा बेनकाब होने के बाद पिछड़ी जातियां भी सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो रही है। पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, सपा जिला उपाध्यक्ष विनय पाल ने समीक्षा में भारी तादाद में जुटे पिछड़े समाज के लोगों को विकास व अधिकार देने में अग्रणी सपा के लिए खुलकर समर्थन की अपील की। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष सतीश गुर्जर, महानगर अध्यक्ष टीटू पाल रमन ने अपनी समस्त कार्यकारिणी का परिचय कराते हुए जनपद के हर क्षेत्र से जुटे पदाधिकारियों का धन्यवाद करते हुए मिशन 2022 की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। मीटिंग का संचालन सपा पिछड़ा वर्ग जिलाध्यक्ष सतीश गुर्जर, अध्यक्षता पूर्व प्रत्याशी खतौली श्यामलाल बच्ची सैनी ने किया। सर, आज आपका मुझे फरनगर आगमन हुआ है पार्टी समीक्षा। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप के निर्देशानुसार ये आप पश्चिम का ये दौरा लगा है। कल हम मेरठ थे, आज मुजफ्फरनगर में हैं, कल सहारनपुर जाएंगे, फिर शामली और बागपत, पहले चरण का ये प्रोग्राम है। और उद्देश्य ये है कि ये जो अति पिछड़ी जातियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इन्होंने धर्म और आस्था के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक आरती, कुंभ और पुलवामा, अर्थात धर्म और आस्था के नाम पर जो बांटकर केंद्र में और उत्तर प्रदेश में ये विराजमान हुई है, ये बात हम समझाने के साथ साथ ये भी आए हैं कि अति पिछड़ी जातियों के सहारे जो सरकारें बनती हैं उनको सम्मान कैसे मिले, उनमें संगठन में कहीं हमारी कमजोरियां हैं वो दूर कैसे हों, हमारा संगठन पूरा बन पाया है नहीं बन पाया, तीसरा हर समाज हर वर्ग के आदमी का प्रतिनिधित्व संगठन में है या नहीं, उसकी समीक्षा के लिए आज हमारे बीच समाजवादी पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष श्री प्रमोद त्यागी जी, समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री सतीश गुर्जर जी, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव श्री सत्यवीर प्रजापति जी और हमारे पी ये सारे लोग मौजूद हैं और इनके सभी के सहयोग से सुझाव से हम इस संगठन को और मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। सर, जैसे वेस्ट यूपी में सपा का जनादेश बढ़ रहा है, इससे क्या महसूस होता है? बढ़ नहीं रहा, ये जो मदारी हैं, ये जो डमरूबाज हैं, ये जो झूठों की पार्टी है, ये जो भाईचारा समाप्त करती है, ये जो आरक्षण को समाप्त कर निजीकरण के माध्यम से समाप्त करने का काम करती है, ये जो राफेल में घोटाले करती है, ये जो आरक्षण को खत्म करने का काम करती है, इस तरह से ये जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिर्फ इन अति पिछड़ी जातियों को गुमराह कर मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, धर्म और आस्था के नाम पर ये जो आज काबिज हुई है, ये लोग अब समझने लगे हैं। ये सब लोग जानते हैं आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और ये झूठी और फिरकापरस्त पार्टी को सबक सिखाने का काम अब जनता करेगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।